नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल लॉ ये क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा कि विद इन अ लिक्विड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन रिमेंस सेम। कहने का मीन्स ये हो गया यहाँ पर कि किसी भी कंटेनर में जिसपे क्या है यहाँ पर फ्लूइड रखा हुआ है और इसपे बिना फ्लूइड मीन्स यहाँ पर फ्लूइड के अंदर किसी भी बिंदु पर जो इंटेंसिटी होती है किसी भी दिशा में आइदर एक्स डायरेक्शन में यू कैन से पी एक्स, वाई में यू कैन से पी वाई एंड जेड में यू कैन से पी जेड। तो क्या यहाँ पर होता है कि पास्कल का नियम ये बताता है यहाँ पर कि जो इंटेंसिटी या प्रेशर होता है एक्स दिशा में वाई दिशा में या फिर जेड दिशा में सभी दिशाओं में रिमेंस क्या होती है आपकी सेम होती है। ओके यू कैन से पी इसको आप यहाँ पर क्या पी कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये किसको यहाँ पर पास्कल के नियम को दर्शाता है। तो आपको पास्कल का नियम मीन्स लॉ यहाँ पर पास्कल पढ़ के जाना है यहाँ पर। ओके ये भी एग्जाम में आने के चांसेस है आपसे पूछ देंगे पास्कल नियम से आप क्या समझते हैं। ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर है कि जो मास फ्लो रेट होता है मास फ्लो रेट को किससे एम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आपका होता है मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट होता है। मास एम डॉट का मींस होता है मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके किसी भी पाइप में सपोज लीजिए यदि पाइप है तो इस पर जितना भी मास पर यूनिट टाइम मीन्स यहाँ पर जितने एक सेकंड में जितना प्रवेश करेगा तो एक सेकंड में उतना ही बाहर आता है। इसका मीन्स यहाँ पर हो गया कि मास फ्लो रेट जो होता है रिमेन सेम रहेगा। और यदि आप यहाँ से मास को कहाँ से डेंसिटी से एम का मान रख देंगे, डेंसिटी क्या होती है एम अपार में बी, तो यहाँ से आपका एम आ जाएगा रो इंटू बी। जब ये आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे मास की तो आपके पास एक डेरिवेशन आएगा ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन आप यहाँ पर पाइप को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे भी आप देखेंगे तो एक सेक्शन पे ए वन बी वन, सेकेंड पे आपका आ जाएगा यहाँ पर ए टू बी टू, तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। ये भी आपकी यहाँ पर क्या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को दर्शाता है डिफरेंट पाइप सेक्शन के, ये हम लोग यूज करते हैं ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि ए का यहाँ पर आपका होता है एरिया होता है, बी फॉर वेलोसिटी होती है, वेग होता है यहाँ पर प्रवाह का वेग होता है, इसको मध्यमान वेग से भी नाम से जानते हैं। ओके तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ये आपका यहाँ पर क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन को दर्शाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों पंप में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके ध्यान रखिएगा 90% चांसेस है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप को पूछे जाने के। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप के डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और थ्योरी पढ़ के आइए। ओके अगर क्वेश्चंस आ जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप से तो आपको क्वेश्चंस करके ही आना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आगे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की, आगे की बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछते हैं कि इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन से क्वेश्चन आ जाता है। ओके टर्बाइन आपको पढ़ाई थी, वाटर टर्बाइन आपको पढ़ाई थी कि वाटर टर्बाइन क्या होती है, तो वहीं से आपका टाइप्स ऑफ टर्बाइन में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर इंपल्स टर्बाइन फर्स्ट पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन सी इंपल्स टर्बाइन और कौन सी आपके पास है इंपल्स एंड रिएक्शंस। प्लस इससे पूछते हैं आपसे क्या पूछते हैं डिफरेंस पूछते हैं। ओके ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कहां से आता है आपका कि ये भी आपके 99% आने के चांसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शंस टर्बाइन। आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछ देंगे कि दोनों टर्बाइन में क्या अंतर होता है, रिएक्शन टर्बाइन और इंपल्स टर्बाइन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो भी आए आपको क्वेश्चंस करके आना है, क्वेश्चंस छोड़ना नहीं यहाँ पर है। इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन
का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि डायग्राम सभी को जितने भी डायग्राम है आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे बात करते हैं फिर वेंचुरी मीटर, सेकंड आपको पढ़ाया था ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पीटा ट्यूब एंड पीटा ट्यूब। तो ध्यान रखिएगा कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पीटा ट्यूब, ये जो तीन प्रश्न आपके हैं तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सीधी बात करें तो वेंचुरी मीटर की दो एक एक वेंचुरी एक एक यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से फिंगर में ध्यान रखिएगा कि वेंचुरी मीटर में कितने थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड थ्रोट। ओके, और एक यहाँ पर क्या मेन पाइप होता है, मेन पाइप डाया यदि थ्री आपके यहाँ पर डी है देन आपके पास कन्वर्जेंट कितना होगा और डाइवर्जेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मेन डाया। ओके, ध्यान रखिएगा। और थ्रोट क्या होता है, जहाँ पर डायमीटर सबसे कम मीन्स यहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन आपको देखिए वही पर थ्रोट होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेंचुरी मीटर का यूज कहाँ पर करते हैं, वेंचुरी मीटर का प्रयोग लोग रेट ऑफ फ्लो में डिस्चार्ज को मापने में किया जाता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, वेंचुरी मीटर को तैयार अच्छे से कर लेंगे। ओके, और यहाँ से क्या पूछते हैं इसके यहाँ पर कि जो भी आपके पास यहाँ पर एडवांटेज पूछते हैं आपसे या डिसएडवांटेज पूछते हैं इसके, क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान यहाँ पर है, तो आपको ये भी पढ़ के आना है। सेकेंड बात करते हैं ओरिफिस मीटर की, तो ओरिफिस मीटर इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ यहाँ पर क्या आपका मीटर होता है जिसमें कि यहाँ पर क्या प्लेट होती है जिसमें 7 इंच की प्लेट होती है। ओके, और ये क्या आपके चीपर देन वेंचुरी मीटर होती है, वेंचुरी मीटर से सस्ती होती है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ओरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर से सस्ती होती है क्योंकि ये सिर्फ प्लेट होती है और इसको जिस पाइप में हम लोगों को क्या यहाँ पर प्रवाह की दर मापना होती है वहां पर इसको इंसर्ट करते हैं और आसानी से दर को हम माप सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर पीटा ट्यूब की, तो पीटा ट्यूब आपको पढ़ाया था कि पीटा ट्यूब यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी के एल अक्षर की एक शेप होती है, अंग्रेजी के एल अक्षर की एक शेप होती है और इसको यहाँ पर इस प्रकार से किसी भी पानी में इस प्रकार से डुबोते हैं कि प्रवाह का वेग यदि इस प्रकार से है तो उस वेग के विपरीत दिशा में इसकी ये यहाँ पर शेप होना चाहिए। इसकी जो यहाँ पर ये आपकी है एल शेप है, इसको इस प्रकार से डुबोएंगे कि इसका जो ये यहाँ पर है आपका साइड है इसके विपरीत होना चाहिए और ये जो पिटा ट्यूब है इससे रेट ऑफ फ्लो नहीं, इससे हम लोग क्या मापते हैं, प्रवाह का वेग मापते हैं, मीन्स वी को मापा जाता है, वी का मीन मध्यमान, वेग को मापने के लिए पीटा ट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है पीटा ट्यूब क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड नंबर आपको बताया था कि रेनॉल्ड नंबर इज नथिंग, इट इज अ रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड नंबर को आर ई से लिखते हैं और ये क्या रेशियो होता है, इसका होता है फोर्स का होता है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, इनर्शिया है यहाँ पर विस्कस। ओके, ध्यान रखिएगा कि रेनॉल्ड नंबर इज नथिंग, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स एंड ये डायमेंशन लेस होता है, मीन्स विमाहीन आपका होता है। रेनॉल्ड नंबर की सहायता से लोग लेमिनार और टर्बुलेंट जो भी आपका यहाँ पर प्रभाव होता है फ्लो होता है उसको हम बता सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर कितना हो तो आपके पास कौन सा आपका प्रभाव होता है। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर भी आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस की, टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस, टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस से भी दो क्वेश्चंस आने की संभावना है आपसे, सडन एनलार्जमेंट पूछ दे आपसे, कॉन्ट्रैक्शन पूछ दे आपसे, पाइप फिटिंग पूछ दे यहाँ पर, एग्जिस्ट पे पूछ दे या एंट्री पे पूछ दे, यहाँ पर कई टाइप्स के यहाँ पर क्या है कि हेड लॉसेस होते हैं पाइप में, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लॉसेस के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि क्या इसका फार्मूला होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पूछेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर हेड लॉसेस होते हैं इसका क्या स्टैंडर्ड होता है और डिफाइन करना है कि इसमें यूज टर्म क्या है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस से, इसका क्या लोग अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि बोलते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो किस किस तक हो सकता है ऐसे टिप्पणी यहाँ पर, तो वो आपका हो गया साइफन, साइफन आपका हो गया,
सेकंड आपसे पूछेंगे यहाँ पर वॉटर हैमर, वॉटर हैमर। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे यहाँ पर सर्च टाइम, सर्च टाइम। और आपसे पूछेंगे एंकर ब्लॉक, एंकर ब्लॉक। आपसे यहाँ से क्या पूछते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो ध्यान रखिएगा वॉटर हैमर आपको पढ़ के आना है। ये देखिए थ्योरी पार्ट्स हैं, आपको सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, ध्यान में रहेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ पर है, क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, वहां से आप इसको पढ़ेंगे। सर्च टाइम, वॉटर हैमर, ओके, साइफन क्या होता है आपका, और एंकर ब्लॉक क्या होता है आपका, एंकर ब्लॉक क्या होता है, ये सभी प्रश्न आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। डायग्राम इजी है, आप डायग्राम बना देंगे, बस आपको यही करना है यहाँ पर, इसमें और ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चंस आते हैं, किससे आएंगे आपके, हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चंस उठेंगे। तो कौन कौन से मशीन पूछ देंगे आपसे, रैम पूछ देंगे, हाइड्रोलिक रैम पूछ देंगे आपसे, जैक पूछ देंगे आपसे, क्या पूछ देंगे, ब्रेक पूछ देंगे हाइड्रोलिक ब्रेक से, और आपसे यहाँ पर प्रेस पूछ देंगे। ये जो चार प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन थे, इनमें से कोई एक या फिर दो, कोई एक या फिर दो हाइड्रोलिक मशीन आने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि चारों प्रकार की मशीन के डायग्राम के प्रैक्टिस कर लेंगे, और थ्योरी को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और एग्जाम में जाकर छाप देंगे। और छापे तो होता है यहाँ पर, कुछ और तो नहीं होता ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है यहाँ पर है, रैम, जैक, ब्रेक एंड प्रेस। रैम, जैक, प्रेस और ब्रेक, यहाँ पर चार प्रकार की हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन है, तो इन मशीन्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर। देखिए थ्योरी पार्ट से यहाँ पर आपको बताया कि भी 80% आपको थ्योरी पढ़ते आना है, तो थ्योरी में आपको आसानी सुविधा होती है यहाँ पर रट्टा मारने में, जो भी कहिए आप, ठीक है, क्योंकि आप लोग रट्टा मारने में सबसे आगे होते हैं। तो रट्टा मारिए यहाँ पर, जितने प्रकार की मशीन हमारी यहाँ पर है, चारों प्रकार की मशीन से भी क्वेश्चन आएगा आपका, कोई एक मशीन आपसे या फिर दो मशीन आपसे श्योर पूछेंगे। आगे बात करते हैं लोग यहाँ पर है, गोल्डन ट्यूब प्रेशर गेज, गोल्डन ट्यूब प्रेशर गेज, और आपसे यहां पर क्या पूछ देंगे, डायफ्राम, डायफ्राम गेज। आपको बताया था यहां पर, इस पर असाइनमेंट मैंने दी थी आपको, ध्यान रखिएगा कि गोल्डन ट्यूब प्रेशर गेज और डायफ्राम गेज क्या होता है यहां पर, दोनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं यहाँ पर फिल्टर एंड इट्स टाइप, फिल्टर एंड इट्स टाइप से, फिल्टर से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को बताइए कि फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, आपको फिल्टर भी पढ़ के आना है। आगे बात करते हैं, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा सभी क्वेश्चन की। आगे ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, तो दोनों में ही आपसे अंतर पूछेगी, क्या पूछेगा आपसे कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में क्या अंतर है। ओके क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में अंतर आपसे पूछ देंगे कि क्या अंतर है, और आपसे यहाँ पर पूछ देंगे प्राइमिंग एंड प्राइमिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग एंड प्राइमिंग डिवाइसेस, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमिंग एंड प्राइमिंग डिवाइसेस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बस इसमें दो ही क्वेश्चन और बचे आपके, कौन कौन सा है यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पेल्टन गिल, आपको पता है ना पेल्टन गिल पे भी सारे असाइनमेंट आपको दिया था, आपको अच्छे से पेल्टन गिल भी तैयार करके आना है। पेल्टन गिल हो गया आपका, और आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके हाइड्रोलिक्स के, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके और ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, मैक्सिमम मैंने यहाँ पर थ्योरी ही बताई, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं बताए हैं, तो न्यूमेरिकल में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो कि आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स है, वहां से आप क्वेश्चन तैयार करिए न्यूमेरिकल,
डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी आपका हो गया, सरफेस टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, लरी ट्यूब से प्राप्त करिएगा विस्कोसिटी क्या होती है, वहां से स्टैंडर्ड आपको माइंड में रखना यहां पर है। तो बेसिक क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, और आप ध्यान रखिएगा कहां से यहां पर कि जिस पाइप पे यहां पर के ब्रांचेस बनती थी, मींस कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बेस्ड पर क्वेश्चन तैयार करिएगा, बर्नौली इक्वेशंस पर न्यूमेरिकल तैयार करके आपको जाना है। ओके, बस इतना ही आपको पढ़ना है यहां पर हाइड्रोलिक्स में, जितनी थ्योरी आपको बताई गई थ्री पार्ट्स क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट देखकर आपका डाउट का समाधान किया जाएगा, उस पर फिर और वीडियो भी बनाएंगे उसी पर, जैसे कि आप जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना यहाँ पर है कि सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर देना आज से ही। ओके, थैंक यू।